सॉन्ग आया है आइटम सॉन्ग जो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी पसंद आएगा। जी मैं भी यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा सॉन्ग था, उन्होंने अच्छे तरीके से गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिल्म का नाम क्या है? और अपनी फिल्म का नाम है प्लेटफॉर्म नंबर 2। फिल्म के बारे में यही कहना चाहूँगी कि काफ़ी अच्छी प्लेटफॉर्म नंबर 2 जो फिल्म है बहुत अच्छी है और काफ़ी आपको पसंद आएगी। और अभी जो गीत संगीत बन रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी गीत संगीत इंदु सोनाली जी और अलका जी भी गा रहे हैं और जितने भी सॉन्ग होंगे इस फिल्म में टोटल 7 सॉन्ग हैं, सभी अच्छे अच्छे सॉन्ग हैं, एक समझ कर एक सॉन्ग। किरदार की बात की जाए रेशमा जी तो क्या भूमिका है उसमें आपकी? मेरा किरदार काफ़ी अच्छा है, जब आप सब देखोगे तभी आपको पता चलेगा, अभी मैं कुछ नहीं बता रही हूँ। आपका किरदार क्या राहुल जी? मेरा इसमें मैं लीड में हूँ, किशन है मेरा किरदार है, जो एक होनेस्ट बालक रहता है, लड़का रहता है, तो वही जाके फिर बड़ा होता है। शूटिंग कहाँ पे करने वाले हैं? शूटिंग इसका पूरा शूट झारखंड में होगा और मुंबई में। अच्छे तरीके से हम लोगों ने तैयारी की है और पूरा ये एक्शन मूवी है, एक्शन फिल्म है जो सभी दर्शकों को पसंद आएंगे और दर्शकों के हिसाब से मैं फिल्म बना रहा हूँ, लेकिन ये हटके है, जैसे भोजपुरी में अभी तक हम लोगों ने देखा है उनसे मैं हटके फिल्म बनाने की तैयारी चल रही है और बनेगी ऐसे। रेशमा जी आप क्या कहना चाहेंगे? यही कि अच्छी तैयारी चल रहा है और 1 तारीख से हम लोग का शूटिंग स्टार्ट है, तो वही आप सभी को पसंद आएगा नए तरीके और नए अंदाज से। ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर के? ऑडियंस यही कहना चाहूँगी कि बस आप अपना प्यार दीजिए हमें और आपका सपोर्ट चाहिए और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 जो आ रहा है आप काफ़ी पसंद कीजिए और हमें बहुत प्यार दीजिए, थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे राहुल जी? मैं भी यही कहना चाहूँगा, सब मैं आप लोग को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो एक एक दर्शकों तक आप लोग न्यूज़ के माध्यम से पेपर के माध्यम से फिल्म के बारे में पहुँचाते हैं सभी लोगों के पास, और सभी दर्शकों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे फिल्म को पसंद करें, जब भी रिलीज हो तब देखें और ये ऐसा पसंद करें जो अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तक नहीं हुआ। आज हमारे मूवी के 2 आइटम सॉन्ग हुए जो बहुत ही बढ़िया है, एक आइटम सॉन्ग की जो है अलका जी है, दूसरा हमारा इंदू जी है, बहुत अच्छी गाना है। हम इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं और हमारे साथ नाजमा शेख जी भी हैं जो हम दोनों पार्टनरशिप में कर रहे हैं और यह पिक्चर प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, बहुत बेहतरीन पिक्चर है, आगे चल के मुझे लगता है कि ऑडियंस को बहुत अच्छे पसंद भी आएंगे। ये जो पिक्चर है सबसे हट के है और यह पिक्चर जो है हमको लगता है पूरी सामाजिक पिक्चर है, किसी को बुरा नहीं लगेगा, सबको पसंद आएगा। इसकी फिल्म की शूटिंग कहाँ करने वाले हैं और दर्शक कब तक देख पाएंगे? यह पिक्चर हमारे झारखंड में, बिहार में और महाराष्ट्र जैसे मुंबई में होंगे और ये रिलीज 2-3 महीना के अंदर ही कर लेंगे। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए, बहुत जल्द इसको हम मार्केट में ले आएंगे और दर्शक के लिए मैं दूसरा भी प्रोजेक्ट तैयारी कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ दर्शकों के लिए कर रहा हूँ जो बहुत अच्छे ही पसंद आएंगे। और फिल्म के हीरो हीरोइन के बारे में जब बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? जी हमारे मूवी के हीरो हैं राहुल सिंह जी जो बहुत ही टैलेंटेड हैं, ये सीरियल भी किए हुए हैं और हमारे जो हीरोइन है वो भी बहुत टैलेंटेड हैं और मैंने जब उनको देखा और जब मैं उनका इंटरव्यू लिया तो मुझे लगा कि नहीं मुझे जो चाहिए था इनके अंदर वो गुण है, हीरे हैं ये। सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ, पहली बात मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ, मेरा नाम अखिलेश चौरसिया जी है और मैं इस फिल्म में मेन मेरा लीड है और इसमें बहुत अच्छी फिल्म है। क्या किरदार किस तरह से तैयारी किया आपने? नहीं मेरा इसमें राका का रोल है और बहुत ज़बरदस्त रोल है, बहुत एक्शन मूवी है और इमोशनल भी बहुत है, बहुत अच्छी फिल्म है। और शूटिंग में कितना धमाल मचाने वाले हैं? शूटिंग में सर बहुत धमाल है, पूरा एक्शन मूवी है, पूरा कोई वायर वाला शॉट नहीं है, बहुत एक्शन मूवी है। ओके सर, मैं हूँ महेश दास और इस प्लेटफॉर्म नंबर 2 में मैं म्यूजिक कर रहा हूँ और ये हमारे साथ में है राइटर जिन्होंने गीत लिखे हैं और भरत सम्राट नाम है इनका और बहुत अच्छे टैलेंटेड हैं और अच्छे लिखे हुए हैं, जिनको इंदु सोनाली जी ने गाए हैं और अलका झा जी गा रही हैं, तो ये गाने बहुत धमाकेदार होने वाला है और बस आप लोग से ये रहेगा कि आप लोग गानों को सुने
और अपना प्यार आशीर्वाद दें। कुल कितने गाने होंगे इस फिल्म में? कुल 7 गाने हैं, जिसमें हमने आज 2 गाने रिकॉर्ड किए हैं। 2 गाने में इंदु जी गाए हैं और एक अलका झा गा रही हैं। तो 2 गाने आज, 2 गाने कंप्लीट हो गए। आप कितने गाने लिखे हैं इस फिल्म का? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा दर्शकों को, क्योंकि हम झारखंड से बिलोंग करते हैं और गिरिडीह जिला के रहने वाले। हमारा नाम लक्ष्मण प्रसाद दास उर्फ भारत सम्राट के नाम से भी लोग हमको जानते हैं। और हमारा क्रांति फिल्म प्रोडक्शन का मैं गीतकार हूँ, जो हमारा क्रांति फिल्म प्रोडक्शन हमारे राहुल जी के जो प्रोडक्शन है उनके साथ मिल के हम काम कर रहे हैं। और हम इस फिल्म के पूरे गाने लिखे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा इनके स्टोरी को देख के। और इन्होंने, मैं राहुल सिंह जी ने हमें ये गीत लिखने का मौका दिया और मैं इस पर पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी जीवन की पहली घड़ी है जो मुझे ऐसा लिखने का मौका मिला है। पहले तो मैं अपने क्षेत्रीय भाषा खोटा या तो भोजपुरी में लिखा करता था, और पहली बार मुझे भोजपुरी में यह गाना देने का मौका मिला है जो फिल्म इंडस्ट्री में। इसके लिए मैं राहुल जी और नाजमा शेख जी को और हमारे इस मूवी के नायिका जो रेशमा जी उनको, और मैं अपने टीम क्रांति फिल्म प्रोडक्शन के HOP RR दास जी को और हमारे चंद्रकांत श्रीवास्तव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। सर क्या कहना चाहें, गीत संगीत किस तरह से बना रहे हैं? गीत संगीत, इसमें गीत तो अच्छे लग, मतलब गीत जो लिखा हुआ है वो अच्छा लगा, इनका राइटिंग भी अच्छा लगा, तो गीत अच्छा ही है। और संगीत, गीत के अनुसार संगीत भी दिया है जो आप सुनेंगे, पब्लिक को ध्यान में रख के बनाया गया है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं म्यूजिक मैंने कंपोज किया हूँ, तो ये भी ध्यान रख के बनाया गया कि बाकी लोगों को अच्छा लगे, पसंद आए। तो मैंने अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि इस इनका लिखा हुआ गाने को और अच्छे से अच्छे करेंगे और अच्छा होने वाला है। और जिस तरह इंदु जी ने गाई, तो मुझे लग रहा है कि गाना बाकी गानों के जैसे ही, जो इंदु जी के टॉप 10 रहा है उसमें ये गाना जरूर शामिल होगा। ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो महेश दास जी को, जो कि फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 के, बहुत बहुत बधाई है। और रिकॉर्ड तो अभी मैंने नहीं किया, बट रिकॉर्डिंग करने जा रही हूँ, आई हूँ तो रिकॉर्ड ही करूँगी। और बहुत ही प्यारे एक्टर कह लीजिए राहुल जी, एक्ट्रेस रेशमा जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई है तहे दिल से। और इस फिल्म के सारे गाने बहुत अच्छे हैं, अभी इंदु जी रिकॉर्ड करके गई हैं और उसके बाद मेरी रिकॉर्डिंग, तो गाने सुने मैंने, बहुत बहुत ही खूबसूरत है। और आई विश कि ये गाना दोनों की लाइफ चेंज कर दे, रेशमा जी की और राहुल जी की। आई विश, गॉड ब्लेस यू इस फिल्म के लिए और आप दोनों के लिए भी, कि आप ऐसी तरक्की करते रहे बस। मैम बात करें, जो गाना आप गाने वाले हैं तो क्या फ्लेवर है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, फ्लेवर के बारे में तो महेश जी ने बताया कि आइटम सॉन्ग है, और अभी मैंने गाना देखा नहीं है तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं पता। आइटम सॉन्ग है तो यार सीधी सी बात है, थोड़ा सा सेक्सी होगा, थोड़ा सा ऑब्वियसली थोड़ा सा हटकर होगा, जो कि एक फिल्म का एक मेन टारगेट होता है वो, अगर आइटम सॉन्ग ही होता है, क्योंकि लविंग सॉन्ग तो हैवी निकल जाता है, बट आइटम सॉन्ग होता है जो मेन फोकस लोग करते हैं, हटकर होता है, तो वो मुझे दिया गया है। तो I will try कि my best कर सकूं मैं, और बाकी महेश जी हैं, गवा देंगे तो गा लूंगी, अच्छी बात है। नहीं नहीं, मैं तो एक्चुअली अलका जी को ध्यान में रख के ही गाना बनाया हूँ, और इनका पहले मैंने आवाज सुन चुका था, इनको आवाज को ध्यान में रख के ही मैंने म्यूजिक बनाया हूँ। तो मुझे मतलब भरोसा है कि पूरा हम लोग उस गाने को 100% खरे उतरने की कोशिश करेंगे। अलका जी, आपका जो है कोई मनपसंद 2 लाइन गाना गा दीजिए जो हिट चल रहा है। अभी मेरी फिल्म आई है सरकार राज, उसमें मैंने पवन जी के साथ डुएट सॉन्ग किया है, मैं वही सुना देती हूँ, और अभी काफ़ी चल भी रहा है। तो स्टार्टिंग पवन जी की लाइन है, कैसे मैं चुमा लिया इलवा, हाँ कितना मैं कोरा टंगा इलवा, कैसे मैं चुमा लिया इलवा, कितना मैं कोरा टंगा इलवा। और उसके बाद मेरी लाइन है, आय हो दादा हमर डॉलर में छुआ इलवा, आय हो दादा हमर डॉलर में छुआ इलवा। थैंक यू सो मच। नाम है प्लेटफॉर्म नंबर 2, बहुत ही अच्छा नाम है, और उसमें अभी मैंने
एक आइटम भी समझिए, बहुत ही अच्छा रोमांटिक आइटम समझिए इसको, वैसा मेरे मैंने गाया है। और इसके इसके संगीतकार हैं हमारे महेश दास जी, और गीतकार हैं हमारे भारत सम्राट जी, और बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने और बहुत अच्छा है। और मेरी ओर से शुभकामना है इस फिल्म के लिए कि काफ़ी हिट हो, गाने हिट हो, फिल्म सुपर हिट हो, और यही दुआ है। गीत संगीत की बात की जाए तो ये किस फ्लेवर का गाना था जो आज आपने गाया? हाँ, वो एक तरह से आइटम ही है, लेकिन आइटम में कुछ हटके था, और बिच्छू मार गए डंक कमरिया में, ऐसा था लाइन, बहुत ही प्यारा लाइन और अच्छा लगा गा के। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो फिल्म का कहानी के हिसाब से जो गाना, हाँ वो क्या है ना, जिस तरह का टाइटल है प्लेटफॉर्म नंबर टू, तो उस हिसाब से अगर फिल्म अच्छी बनेगी तो मुझे लगता है कि एक नाम ही अलग है और सबसे हटके है, तो ये दर्शकों को पहले तो नाम अट्रैक्टिव करेगा, खींचेगा अपनी ओर, सब देखेंगे बोलेंगे रवा प्लेटफॉर्म नंबर टू फिल्म का नाम है। और दूसरी बात, अगर हमारे इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं जो, वो अगर अच्छे से डायरेक्शन करेंगे तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि ये फिल्म काफ़ी हिट होगी। मैम बात की जाए, इस फिल्म के जो हीरो हैं राहुल सिंह, हीरोइन है रेशमा खान जी, पहली बार एंट्री कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या बिल्कुल, मैं उनको अपनी ओर से शुभकामना देना चाहूँगी कि बस अच्छे से काम करिए, जो गाने का भाव है, वैसे तो डायरेक्टर सब कुछ बताते ही हैं, जहाँ तक मुझे सुनने में मिला है, मैं तो शूटिंग कभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन एल्बम करती हूँ थोड़ा बहुत तो पता है, बशर्ते अगर वो जो डायरेक्टर बताते हैं अगर उस हिसाब से अगर कोई भी अगर कलाकार करता है तो मुझे लगता है कि वो खरा उतरेगा जी। तो आपका कोई मनपसंद ऑनलाइन गाना हो जाए, अभी होली आ रही है, आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पहले इनसे पूछ लेती हूं। मैं कुछ आपके अतीत के बारे में जानना चाहूंगा कि इससे अच्छा ये अच्छा हाँ, समझ गई मेरे अतीत अगर जानने मतलब जानने के इच्छुक होते तो बात समझ में आती है, कुछ बात हटके होने वाली है। फिलहाल अभी हम फिल्म की बात करें, चूंकि आज हम फिल्म में आए हैं और समझिए एक तरह से मुहूर्त ही है, तो फिल्म की बात करते हैं। मेरे लाइफ के बारे में अतीत क्या है वो कभी मैं फुर्सत से बताऊंगी, और आज खुशी का दिन है, सभी हमारे यहाँ एक्टर एक्ट्रेस आए हुए हैं, गीतकार संगीतकार सब हैं, तो फिल्म की ही चर्चा करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैम होली आ रहा है, दो लाइन होली के कोई गीत आपके हिट? हाँ, होली खेले नंदलाल, ऐसे कुछ गाना है तो भूल गई हूँ मैं, अरे भूल गई हूँ अभी जो गाई वो कि होली अभी मैंने गाया है और बहुत जल्द मार्केट में आएगा, और जब आएगा तो मैं सभी को पता तो चली जाएगा, और मैं पर्सनली सबको बताऊंगी कि मेरा एल्बम का दिल बोले सारा रारा उसका टाइटल है, फेसबुक पे मैंने डाला भी था, और इस नाम को सबने पसंद किया है और पहले से लोग बोल रहे हैं दिल बोले सारा रारा, और उसका जो गाना है मुझे लगता है कि अभी जितने भी हमारे होली आप लोग सुनते हैं मेरा एकदम हटके है, और सबसे अच्छा सैड सॉन्ग आप सुनेंगे तो शायद आपको दिल को छू लेगा, और बहुत अच्छा हमने मैंने कोशिश की है होली गाने की, और उसमें जितने गाने आठ गाने और आठों गाने बिल्कुल अलग अलग मूड के हैं और बहुत अच्छा है। मैम दो लाइन कोई मनपसंद गाना हो जाए जो आपका हिट चल रहा है? बिल्कुल, अभी या तो अभी मैं हर जगह अभी भाई जो हमारे नए नए फिल्म हैं, जैसे एक मेहंदी लगा के रखना है, और अभी पवन जी की फिल्म आई थी सरकार राज, और उसमें भी मैंने गाया है, तो मेहंदी लगा के रखना का गाऊंगी सरकार राज का भी दो लाइन। गइल चार पग अंदर तो बन गइला सिकंदर, गइल चार पग अंदर तो बन गइला सिकंदर, और मेहंदी लगा के रखना मेरे दो गाने हैं, और दोनों गाने हमारे ऑडियंस को हमारे फैंस को बहुत पसंद आ रहा है। पहला तो ये गाया था मैंने, सांवरे सुरतिया मुहनी मुरतिया, बड़ा निक लागे उनकर मीठी मीठी बोलिया, मुसक पे राजा के लोभा गईनी, जैसन सोचले रही हम वैसन सखी रे वर पा गईनी, जैसन सोचले रही हम वैसन सखीरे वर पा गईनी। दूसरा गाया था मैंने, भर दे होता गुद गुद राजा जी देखा टकल बबू दे, तो काफी पसंद आ रहा है सबको। ओके okay,